विभिन्न 6 सूत्रीय मांग को लेकर राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन ने मंगलवार को विद्युत वितरण खंड द्वितीय बख्शीपुर उपकेंद्र पर इंजीनियर मुकेश पटेल के नेतृत्व में धरना दिया। जूनियर इंजीनियरों का कहना है कि विभिन्न पात्रों द्वारा प्रबंध का लगातार ध्यान आकर्षण करने के बावजूद अवर अभियंता संवर्ग की मांगों और विभागीय कार्यों में आ रही समस्याओं के निराकरण पर लगातार उपेक्षापूर्ण रवैया के कारण संगठन के सदस्य आंदोलित हैं। इस अवसर पर जूनियर इंजीनियर संगठन के सचिव अक्षय लाल, पुनीत कुमार निगम, नीरज दुबे, आरके सिंह, सुनील यादव, मृत्युंजय शर्मा, मोतीलाल नागेंद्र नाथ सहित अन्य जूनियर इंजीनियर मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए इंजीनियर राम इकबाल ने कहा, जय संगठन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो ये अंगड़ाई है, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, आवाज दो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। हमारे राम इकबाल, ये हमारे केंद्रीय जो नेतृत्व हैं राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन के द्वारा, ये आह्वान किया गया है सभी खंडों के माध्यम से, अधिशासी अभियंता के माध्यम से जो हमारे खंडीय अध्यक्ष होते हैं उनके माध्यम से हम लोग अपने इस ज्ञापन को चेयरमैन तक पहुंचाएंगे, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के जो चेयरमैन साहब हैं। हमारी मांगे हैं कि लगातार हमारा संगठन लगातार ये मांग करता रहा है कि हमें संसाधन मुहैया कराया जाए, हमें सामग्री उपलब्ध कराई जाए, लेकिन प्रबंधन के द्वारा कुछ भी उपलब्ध नहीं कराया जा रहा। लगातार हम पर अतिरिक्त दबाव बनाया जा रहा है कार्य करने के लिए उन्हीं कमी संसाधनों में, और हर जेई हमारा आज अतिभारित है, एक एक जेई के पास दो दो तीन तीन बिजली घर हैं। फिर भी इन विषम परिस्थितियों में भी हमारे अवर अभियंता लगातार, चाहे वो कोई भी विषम परिस्थिति हो, कार्य कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का शहर है, फिर भी यहाँ पे संसाधन उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं, और 24 घंटे लगातार बिजली हम लोग देने का प्रयास कर रहे हैं, दे भी रहे हैं, लगातार मेहनत किया जा रहा है। हमारे संगठन द्वारा बार बार प्रबंधन को पत्र लिखा गया कि हमें संसाधन उपलब्ध कराए जाएं, हमारी मांगों को पूरा किया जाए। भारी कमी को देखते हुए अवर अभियंताओं की नियुक्ति के बजाय एक अलग तरीके से, एक अलग जो है प्राइवेट आदमियों को रखा जा रहा है, पीएनडीएम के द्वारा, एनडीएम के द्वारा उन्हें मोटी रकम दी जा रही है, लेकिन विभागीय तरीके से भर्ती ना करके केवल जो है प्राइवेट लोगों को भरा जा रहा है, जिससे हमारा संवर्ग बहुत ही उपेक्षित है। पिछले इधर काफ़ी दिनों से, लगभग एक साल से हम लोग लगातार मांग करते हैं, लगभग 8 पत्र हमारे केंद्रीय आह्वान द्वारा, केंद्रीय पदाधिकारियों द्वारा प्रदेश के उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के एमडी साहब को, चेयरमैन साहब को चिट्ठी दी गई, लेकिन उन्होंने उसका संज्ञान नहीं लिया। आज हम सभी लोग यहाँ विद्युत नगरीय वितरण खंड द्वितीय बख्शीपुर में धरने पर बैठे हैं। 3 बजे से 5 बजे तक हमारा कार्यक्रम है, और मीटर परीक्षण खंड के भी हमारे अवर अभियंता उपखंड अधिकारी महोदय बैठे हुए हैं। हम लोग अपने अधिशासी अभियंता के माध्यम से अपने मांग पत्र को ऊपर भेजेंगे। हमारा निवेदन है कि हमारे ऊपर के प्रबंधन के लोग जो हमारे अधिकारी बैठे हैं, कृपया हमारे मांगों को सुनें, उन्हें पूरा करें, जिससे हम प्रदेश में, जिलों में और शहरों में अच्छी बिजली आपूर्ति कर सकें, हमें संसाधन उपलब्ध कराया जाए, हमें सुविधा उपलब्ध कराया जाए। ये हमारी मांगें हैं।